नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सिंह। आज आपकी जो है ज्योग्राफी की जो है तीसरी क्लास है, जिसमें जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और जो लोअर के बच्चे हैं, जो कि अभी हाल के दिनों में होने वाले एग्जाम्स में जो है जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं आपके, और साथ ही साथ जो अदर एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे इंडिया के हिसाब से बात हो, तो हम लोग पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, पूरे सेक्शन को देख रहे हैं यहाँ पर। और ये भी सेक्शन आपका चल रहा है, उसका आज ये तीसरा क्लास है, और उसमें हमने जो टॉपिक आपका शुरू किया हुआ है वो आपका रिवर सिस्टम से शुरू हुआ है। रिवर सिस्टम में हमने जो बात किया था कि जब भारत की नदियों के बारे में हमने बात किया, जो पहला आपका सेक्शन गया क्लास वन का, तो उसमें हमने ये बताया था कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड टू टू पार्ट्स, हिमालयन रिवर सिस्टम्स एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। फिर उसमें भी हमने टॉपिक आपका वहां से सिलेक्ट किया हिमालयन रिवर सिस्टम, और हिमालयन रिवर सिस्टम में फिर वहां पर थ्री आपके मतलब वहां पे तीन नदियां मुख्य रूप से आपकी आ जाती हैं, जो कि प्रमुख हो जाती हैं। एक आपका सिंधु, दूसरा आपका गंगा, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र। जैसा कि पहले के क्लास में जो आप वीडियो फॉलो करिएगा, लिंक को फॉलो करिए, तो क्लास वन और क्लास टू में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप वहां पर देखते हैं जो आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम में ये तीन नदियों के बारे में बात किया था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो वहां पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र में देखिएगा, या तो हिमालय से निकलने नदियां सिंधु की सहायक है, या गंगा की सहायक है, या ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो वहां पर टॉपिक वन जो उठाया था टॉपिक आपका, वो यूपीएससी के हिसाब से भी, पीसीएस के भी हिसाब से, और वनडे एग्जाम जितने भी आपके होते हैं, साथ ही साथ जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो लड़के आपके रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं और जिनका सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, जो आपके टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक चल रहा है आपका ज्योग्राफी सेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका चल रहा है यहाँ पर। तो इसको मैक्सिमम कोशिश करिए कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो और से अधिक इसको लाइक मिले, और इसको और मैक्सिमम आप सब्सक्रिप्शन इसका बढ़वाइए। आज के टॉपिक हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। यहाँ पर सिंधु नदी की जो आपकी नदी है, वो नदी कौन सी है? झेलम नदी। क्लास वन और क्लास टू को आप देखेंगे तो वहां पर सिंधु, और उसके बाद क्लास टू में हमने बात किया था आपसे सतलुज नदी के बारे में। जब दूसरी नदी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो आपकी तीसरी नदी आती है सिंधु सतलुज के बाद, जो तीसरी नदी प्रमुख है, वो कौन सी है? झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग चलते हैं प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास में इसी झेलम नदी के बारे में जो लिखा गया है, वो झेलम नदी नाम नहीं चर्चा किया गया, क्या लिखा गया है? बितस्ता नदी। बितस्ता नदी मतलब झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता नदी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब बात करेंगे झेलम के बारे में, तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? हम जब बात करते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय, तो हिमालय पे आइएगा, ये आपका पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा आपका पूरा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में हिमालय की ये तीनों रेंज आपको मिलेंगे यहां पर, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक, ये वाला हिस्सा। इसके आप नॉर्थ में चलते हैं, ये वाला हिस्सा आपको चीन और में आपको मिलेगा तिब्बत वाला प्लेटू, और इसके साउथ में आते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, ये हिमालय के चारों रेंजेस आपको मिलेंगे यहां पर। हिमालय के चारों रेंजेस के बारे में अगर इसको हम एक प्रोफाइल पे ले आए, जो कि आप एक यहां पर आप देख रहे हैं मैप के थ्रू, अगर इसको एक हम जनरल प्रोफाइल ले आए फ्लैट प्रोफाइल पे, तो यहां पर देखिएगा कुछ इस तरीके से आएगा। जो नॉर्थ के सेक्शन में आते हैं, यहां पर आपको तिब्बत प्लेटू मिलता है एक प्रोफाइल पर, और ये हिस्सा आपका ट्रांस का, ये आपका ग्रेटर का, ये आपका लेसर का, ये शिवालिक, और शिवालिक से और साउथ में आते हैं, मतलब कहां पर? भारत की ओर बात करें हम लोग, तो यहां पर आइएगा ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, जैसे आप क्रॉस करिएगा भारत का बृहद मैदान और दक्षिण में आइएगा, तो आपको विंध्यन, सतपुड़ा, फिर दक्कन का पठार, और फिर आप क्रॉस करते हैं तो नीचे कहां पहुंच जाएंगे आप? हिंद महासागर। मतलब ये दक्षिण तक की अवस्थितियां हैं जिनके बारे में हमने आपसे बात किया था। तो जो आपका हिमालय है, वो तिब्बत पठार और बृहद मैदान के बीच में है, ये वाली चार श्रेणियां। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन के समय ये जब श्रेणियां ऊपर उठती गई, तो जैसे जैसे ये श्रेणियां ऊपर उठती गई, जैसे ये चट्टान आपकी है, जैसे जैसे इसमें मोड़ा, क्योंकि हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, और फोल्डेड माउंटेन होने के साथ साथ में ये दुनिया का सबसे नया पर्वत है, न्यूएस्ट माउंटेन हम लोग बात करते हैं। जब भी बात होगी कि किस पर्वत की पूरी दुनिया में किस रेंज की जो है सबसे कम आयु है, अगर देखा जाए पूरी दुनिया के रेंज के हिसाब से, तो वहां पर सबसे कम रेंज में आपको कौन सा मिलेगा? हिमालय, ठीक। और ये जब हिमालय बना, तो चट्टाने क्या हुई? मुड़ती गई, चट्टाने मुड़ती गई, और जैसे चट्टाने मुड़ी, तो सब चट्टानों की मुड़ने की एक लिमिट होती है। जैसे हम इसको बात करें, तो इसके भी मुड़ने की एक लिमिट होती है। हम इसको मोड़ते हुए चले जाए, लेकिन इसकी अपनी लिमिट से ज्यादा अगर हमने मुड़ा, तो ये टूट जाएगा।
तो यहां पर आप पढ़ते हैं, जब आप आइएगा जियोलॉजी में तो आपको मिलता है एचएफ रीड का एक आपको थ्योरी मिलती है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। एचएफ रीड की एक थ्योरी मिलेगी आपको, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं उसको प्रत्यास्त पुनश्चलन सिद्धांत। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इस प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत में एचएफ रीड महोदय ने यह बताया कि जो भी चीज, जैसे रबड़, आप जहां से खींचते हैं तो जहां से वो स्टार्ट हुई फिर से वहीं पर आने का प्रयास करती है। हर एक वस्तु में आपको इलास्टिसिटी मिलती है, मतलब क्या, लचीलेपन का गुण मिलता है हर एक वस्तु में, वो जहां से चलती है फिर से वहीं पर आने का प्रयास करती है। लेकिन अगर वो लगातार मुड़ती हुई जाए तो उसकी एक सीमा के बाद जब वो और भी ज्यादा मुड़ती जा रही, जैसे रबड़ की भी एक सीमा हम खींचते चले गए तो उस सीमा के बाद क्या टूट जाएगा। इस पेन की भी अपनी एक क्या है, लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अगर इसको हम मोड़ते जाए तो ये पेन टूट जाएगा। ठीक, हम कुछ के बारे में बात करें, जैसे मोबाइल, इसको भी हम मोड़ेंगे तो एक लिमिट तक मुड़ेगा लेकिन फिर उसके बाद टूट जाएगा। कितनी भी कोई हार्डेस्ट हो, कितनी भी कोई सॉफ्टेस्ट, जो भी आप बात करते, कितना भी कोई सॉफ्ट मिलेगा आपको, लचीला मिले, कोमल मिले, कोई कितना कठोर मिले, सबकी मुड़ने की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वो वस्तु टूट जाती है। हम बात कर रहे हैं यहां पर चट्टानों के मुड़ने की, हिमालय की एक सीमा तक जो है, जब तक इनमें थी इलास्टिसिटी तब तक ये मुड़ती गई, जब इनकी वो लिमिट क्रॉस हो गई तो चट्टाने क्या हो गई, टूट गई। देखिए यहां पर हिमालय, हिमालय बीच में टूटी, लेसर और शिवालिक की भी चट्टाने यहां पर टूटी, और यहां पर शिवालिक और ग्रेट प्लेन के बीच में चट्टाने यहां पर टूटी है। हम जब हिमालय पढ़ते हैं तो फॉल्ट भी मिलते हैं, भ्रंश जिसे हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चट्टाने मुड़ती जा रही हैं तो उसे हम लोग गलन कहते हैं। ज्योग्राफी आइएगा तो ज्योग्राफी में आपके दो वर्ड यूज होते हैं, फॉल्ट एंड फोल्ड, दोनों वर्ड आपके एफ से ही स्टार्ट होते हैं, एक फॉल्ट है और एक फोल्ड है। फोल्ड वो तब तक होगा जब तक चट्टान आपकी टूटी नहीं है, तब तक वो फोल्ड ही कही जाएगी। लेकिन चट्टानों के टूटते ही वो फॉल्ट नहीं होगा, वो फोल्ड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चट्टाने यहां टूटी, आईटीएसजेड, एमसीटी, एमबीएफ और एचएफएफ। आईटीएसजेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंडस सांगपो स्यूचर जोन। ध्यान दीजिएगा, इंडस सिंधु, सांगपो जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा का नाम कहते हैं तिब्बत में, सांगपो स्यूचर, सीवन क्षेत्र, सीवन जोन यहां पर क्षेत्र। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सीमांत भ्रंश। एमबीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट। एचएफएफ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालय के आगे का भ्रंश, मतलब जैसे आप ग्रेट प्लेन से आप हिमालय की ओर जाएंगे पहले जो फॉल्ट मिला कौन सा है, एचएफएफ हिमालयन अग्रगर्त। एमबीएफ मुख्य सीमा भ्रंश, किसके बीच में, लेसर और शिवालिक के बीच में। ग्रेटर और लेसर के बीच में क्या मिलेगा आपको, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश यहां पर आएगा। ये वाला हिस्सा जब बात करते हैं हम लोग तो यहां पर आएगा, इसके उधर चलेंगे तो यहां पर आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। ये वाला जो फॉल्ट आपको मिल रहा है, ये वाला फॉल्ट किसका है, आईटीएसजेड का। यहां पर आइएगा, ये आपका पहला वाला फॉल्ट कहां मिलेगा, इसके बीच मिलेगा, ट्रांसेंड ग्रेटर के बीच में। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको कहां मिलेगा, ग्रेटर और लेसर के बीच में। एमबीएफ कहां मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका तीसरा यहां मिलेगा। चौथे पर आते हैं जो आपका एचएफएफ बात करते हैं हम लोग, फोर्थ वाला हिस्सा वो आपको यहां मिलेगा, मतलब ग्रेट प्लेन और शिवालिक के बीच का हिस्सा, ये चारों फॉल्ट मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं जबकि हम पढ़ा रहे हैं आपसे झेलम नदी। हम पहाड़ों पर आते हैं तो नदियां क्या सीधे से बहती है, घाटियों में बहती हैं, नदियां घाटियों में ही बहती हैं। और घाटियां कहां मिलेंगी, दो किसी ऊंचे भूभाग वाले के बीच का हिस्सा, पहाड़ियां दोनों तरफ उठी हुई हैं, इसमें क्या है, तो जो आपकी झेलम नदी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो आपकी झेलम नदी है वो आईटीएसजेड वाले फॉल्ट में नहीं बह रही, इस वाले भ्रंश घाटी में नहीं बह रही है, कहां बह रही है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच वाली वैली में बह रही है। ये जो आप दो नंबर देख रहे हैं यहां पर, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हम जब बात करते हैं तो महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों पहाड़ियों के बीच या घाटी की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है,
झेलम, और इसी झेलम का ही प्राचीन नाम क्या है? बितस्ता। क्या नाम है इसका? बितस्ता, ये वाला हिस्सा। ठीक, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे जो आपकी कश्मीर की घाटी झेलम नदी के बारे में। तो जैसा कि हमने आपसे बताया, यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा इस वाले फ्लो चार्ट को देखने से पहले, जो हमने आपसे यहां पर बताया था कि जो आपकी झेलम नदी है वो ग्रेटर और लेसर के बीच बह रही है, एमसीटी फॉल्ट बह रही है, मतलब इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, ये वाले भ्रंश में। अब इसी को हम लोग फ्लो चार्ट को यहां ले आते हैं। ये जो ऊपर की रेंज आप देख रहे हैं ये वाली, ये आपका है ग्रेटर हिमालय, ये वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका है लेसर हिमालय। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में हम लोग आते हैं, जो आपका ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है इसे हम लोग जास्कर और पंजी रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जास्कर और पंजी रेंज। और जो नीचे की ओर आते हैं, जो आपका लेसर हिमालय का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पर आइएगा तो आपको जो रेंज है लेसर हिमालय, क्या कहते हैं हम लोग? पीर पंजाल कहते हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में आपको जो घाटी मिलेगी, इसी घाटी क्या कहता है? कश्मीर की घाटी। और इसी का दूसरा नाम है, उसे कहा है पृथ्वी का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ द अर्थ। यहां पर पृथ्वी का स्वर्ग मतलब यहां सुंदरता बहुत ज्यादा है। हम बात करेंगे इसी घाटी की जो प्रमुख नदी कौन सी है, झेलम नदी। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जैसा कि आपने यहां पर देखा, जो फॉल्ट कौन सा है? दूसरा वाला, एमसीटी, ये वाला हिस्सा। इन दोनों पहाड़ियों के बीच चट्टानें क्या हुई हैं? टूट गई हैं यहां पर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो अब यहां पर प्रश्न जो है कई तरीके से आ सकता है। पहली बात, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? एमसीटी फॉल्ट में। कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट में। कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश में। कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय दोनों श्रेणियों के बीच में। कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? झेलम नदी की घाटी में। ठीक, कश्मीर की घाटी यहीं पर कहां कह सकते हैं हम लोग? अगर दोनों बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में। बात समझ में आई यहां पर? दूसरी बात, हम बात करें झेलम नदी। झेलम नदी कहां बहती है? एमसीटी फॉल्ट में। झेलम नदी कहां बहती है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश में। झेलम नदी कहां बहती है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। झेलम नदी कहां बहती है? श्रीनगर या कश्मीर की घाटी में। झेलम नदी कहां बहती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये सारे इसके पर्सपेक्टिव हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नदी के किनारे ही आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मिलेगा, और नदी की घाटी में ही जो आपकी झेलम नदी है यहीं पर आइएगा तो आपको झील मिलेगी, डल, डल झील। और आगे चलते हैं, मुख्य नदी की धारा में ही आपको मिलेगा बुलर झील, और एक झील आपको इसी घाटी में ही, झेलम नदी की घाटी में मिलेगा मनास बल, मनास बल, ये वाला हिस्सा हम लोग बात कर रहे हैं। अब टोटल अगर हम लोग बात करें तो यही हिस्सा आपका जाता है कश्मीर की घाटी या पृथ्वी का स्वर्ग। हम लोग अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। नदी, अब आप ज्यादा बेहतर पकड़ रहे होंगे, झेलम नदी कहां बहती है? कश्मीर की घाटी में, पृथ्वी के स्वर्ग में, यहां की प्रमुख नदी है, मुख्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बहती है, एमसीटी फॉल्ट में बहती है, और नदी किनारे आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मिलेगा, डल झील मिलेगी, बुलर झील मिलेगा, मनासबल मिलेगी, और किशनगंगा जो कि झेलम की प्रमुख सहायक है इस पीर पंजाल को काटने से पहले ही मिल रही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में आइएगा आपको जगह वहां पर मिलेगा किशनपुर, किशनपुर में ही आपकी जो है ये आपकी किशनगंगा पहले ही मिल जा रही है। और ये जो किशनगंगा है कहां से आ रही है? पंजी श्रेणी से। ध्यान दीजिएगा, इस श्रीनगर के ऊपर जाएंगे हिस्सा तो यहां पर आपको जो रेंज मिलेगा ग्रेटर हिमालय का, सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा पंजी रेंज, और इसी के ऊपर आपको पर्वत मिलेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आते हैं तो जम्मू कश्मीर की अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि जब भी माउंटेनियर्स यहां पर पहुंचते हैं, पर्वतारोही जिन्हें कहा जाता है, जब यहां पहुंचते हैं तो वो कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किए और यहां से सरकने के कारण वो गिरे हैं नीचे और उनकी डेथ हो गई है। तो इस कारण जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं, इस नंगा पर्वत को नंगा पर्वत नहीं कहते हैं, बल्कि वहां जम्मू कश्मीर में जाइएगा इसी नंगा पर्वत को वही वहां के निवासी
कहते हैं कातिल पर्वत। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिले तो वहां पर आप नंगा पर्वत नाम पूछेंगे तो शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसे कहेंगे मुझे कातिल पर्वत जाना है तो वहां का एक छोटा सा बच्चा भी आपको आपकी उंगली पकड़ा के कहां ले जाएगा, कातिल पर्वत तक। ये यहां पर हम लोग आते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक को, किस पर? झेलम नदी पर। हाँ, जैसा कि हम लोग देखते हैं यहां पे हम लोग बात कर रहे थे झेलम वाली नदी के बारे में, जो मुख्य रूप से जो आपका मेन टॉपिक है झेलम नदी वाला। यहां पे देखिएगा ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, ये वाला हिस्सा जो आपका झेलम नदी है ये महान हिमालय से निकल रही है। ये देखिए दोनों श्रेणियों के बीच में कुछ यहां से बहते हुए कुछ लेसर हिमालय काटते हुए देखिए भारत और पाकिस्तान देखिए बॉर्डर भी बना रही है। रिवर जो झेलम है वो बॉर्डर बनाते हुए उसके बाद एंट्री करती है वो पाकिस्तान में। अब ध्यान दीजिएगा इसी फ्लो चार्ट को हम लोग आगे यहां पे भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये झेलम रिवर आगे आने के बाद नीचे की ओर से जो आपकी चिनाव नदी आ रही है हिमाचल प्रदेश से, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं चिनाव से ट्रिमू में जाके मिलती है। अब इसी फ्लो चार्ट को आप यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा ये वाला हिस्सा बात करते हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा आपका जास्कर का है जिसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय की श्रेणी। और जो ये हिस्सा है ये आपका है पीर पंजाल, ये वाला हिस्सा पीर पंजाल जो कि हिस्सा है आपका लघु हिमालय का। पहले बता चुके हैं इसके बारे में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में आपको भ्रंश कौन सा मिलेगा, एमसीटी, ये वाला हिस्सा, ये आपको इसके बीच में एक फॉल्ट मिलेगा। अब इसी फॉल्ट में आपकी झेलम नदी बह रही है। हम लोग मेन स्ट्रक्चर देखते हैं, जो आपकी झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में आइएगा तो आपको अनंतनाग जिला मिलेगा। अनंतनाग जिले में आपको जो जगह मिलेगी वो है बेरीनाग, और बेरीनाग जगह पर आपको झील कौन सी मिलेगी, सेसना। इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग महान हिमालय की श्रेणी पर शेषनाग झील जो कि बेरीनाग स्थान पर स्थित है, बेरीनाग जो कि अनंतनाग जिले में स्थित है, और अनंतनाग जिला कहां है, जम्मू कश्मीर में, और यहां से नदी कौन सी निकलती है, झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होते हुए बुलर झील की से बहते हुए लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए वो मुजफ्फराबाद के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करते ही झेलम नदी का नाम क्या हो जाता है, नीलम नदी। और मीरपुर के को पाकिस्तान में ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा मिलेगा, मंगला डैम, और आगे पहुंचने के बाद पाकिस्तान में ही ट्रिमू से किससे मिल जाती है, चिनाव नदी से। ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर से हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बेरीनाग स्थान से शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से बहते हुए बुलर झील से बहते हुए ये आपकी किशनपुर के पास पीर पंजाल श्रेणी को काटती है, और मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और मीरपुर के पास इस नदी पर मंगला डैम बनाया गया है, और पाकिस्तान में यह नदी नीलम नदी के नाम से बहती है, और चिनाव नदी से यह नदी कौन सी, नीलम नदी, पाकिस्तान में ट्रिमू में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर की घाटी, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा आपका, ये आपका हिस्सा है कश्मीर की घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इस कश्मीर की घाटी में आपको कुछ अलग से कुछ और भी स्ट्रक्चर्स यहां पे मिलेंगे, टोपोग्राफी मिलेंगे, जैसे डल झील। जब बात करेंगे भारत में वह झील सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बस जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है वो झील कौन सी है, डल झील। ये ताजे पानी की झील है जो कि हिमनद से बनी हुई, ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा आपकी इस यहां पर इस झील की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि अधिकांश जो भारतीय मूवियां हैं जो पहले के समय में और आज के समय में भी इनकी शूटिंग भी यहीं पर की गई है। इस झील में चलने वाली नावों को कहा जाता है सिकारा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया पर एक कश्मीरी लेडी जो है फूलों सजा हुआ नाव लेके जाती है। पूरी दुनिया में आपको ऐसा जो है दृश्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो जो आप देखते हैं अतुलनीय भारत में एक प्रचार आपका, एक इनक्रेडिबल इंडिया में कश्मीरी लेडी जो है कैसे जा रही फूलों सजे हुए नाव से, वो कहां चलता है, इसी डल झील में। क्या कहा था उन नावों को, सिकारा कहा जाता है। अक्सर कई मूवियों में उसके बारे में आपकी शूटिंग भी की गई, जैसे आप बात करते हैं शमी कपूर की मूवी आपकी थी कश्मीर की गली, मिशन कश्मीर, जब तक है जान, ये जो मूवियां आपकी बनी हैं यहीं पर आइएगा तो आप कहां मिलेगा, ये डल झील के पास में। ध्यान दीजिएगा डल झील के पास में हम लोग बात करेंगे मध्यकाल में, जहां पर आइएगा तो जिसे जम्मू कश्मीर या जिसे कश्मीर का जो है अकबर कहा जाता था उसका नाम है जैनुल आबदीन।
जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, जो इनकी बेगम हुआ करती थी। कभी राजकाज से उनको जब थकान लगती थी तो वो यहाँ का जो है दृश्य, वो यहाँ पर घूमने जाया करती थी डल झील के आसपास। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो है एक बना दिया, यहाँ पर महल बनाया, और उस महल के कहाँ पर, झील के किनारे। अब झील के किनारे जो उन्होंने महल बनाया, तो झील के दृश्य को देखने के लिए जो उसमें खिड़कियां लगाई गई, महल में जो खिड़कियां लगाई गई, तो उन खिड़कियों के लिए सबसे पहले ही मध्यकाल में वर्ड यूज किया गया झरोखा। मतलब झरोखा, हम जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, पर झरोखे के उस पार देख रहे हैं, मतलब क्या, कोई सुंदर दृश्य की बात करते हैं। और यहीं से ही आपका जो एक आपका ये तो नियर अबाउट जो है 17 या 80s में एक गाना भी आपका आया अखियों के झरोखे से। तो वो जो आप झरोखा वर्ड आप यूज करते हैं अपने वोकैब में, अपनी वोकैब बोलने में, वो सबसे पहले कहां पे आया था, डल झील के किनारे बने हुए महल में जो खिड़कियों के लिए बनाया गया था। तो यहीं पर आएगा डल झील के बारे में। आगे पहुंचते हैं, यहीं पर पहुंचिएगा तो आपको एक झील और मिलेगी, मनासबल। ये भारत की सबसे खूबसूरत झील। तो आगे पहुंचिएगा मनासबल। जब मनासबल पहुंचिएगा तो यहां पर बात करेंगे भारत की सबसे गहरी झील। मतलब कहां पर है, कश्मीर में आइएगा तो कश्मीर की घाटी में ही, और कश्मीर की घाटी में ही बात करिएगा तो झेलम नदी की घाटी में ही भारत की सबसे गहरी झील भी स्थित है। कौन सी, मनासबल। और आगे बढ़ते हैं, जिस रास्ते से आपकी झेलम नदी आगे की ओर बढ़ रही है, यहीं पर आइएगा तो आपको एक झील और मिलेगी, नाम इसका है बुलर झील। ध्यान दीजिएगा, बुलर झील के बारे में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में केवल एक टर्म यूज किया जाता है, फ्रेश वॉटर। जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे, इंग्लिश में केवल एक वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेश वॉटर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, इस फ्रेश वॉटर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, ताजे पानी की झील। जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं, पीने योग्य। पानी की झील। जो चौथा वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, अलवणीय झील। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हिंदी में आपके लिए ये तीनों वर्ड यूज कर सकता है, भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील, भारत की सबसे बड़ी पीने योग्य पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। लेकिन इंग्लिश में केवल एक वर्ड यूज करेगा, फ्रेश वॉटर। अब हम लोग बात करेंगे यहीं पर ही, आगे बढ़िएगा। ये जो आपकी बुलर झील है, ये झील नहीं है, वास्तव में ये एक प्रकार की ऐसी झील का उदाहरण है जिसे हम लोग कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं हम लोग इसको, गोखुर झील। इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑक्सबो लेक। बुलर झील, ये जो बुलर झील है, एक तरीके से कहा जाए तो ये उदाहरण है गोखुर झील का। इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑक्सबो लेक। जो ऑक्सबो लेक है, ये बनती कैसे है, ध्यान दीजिएगा, जब रिवर कहीं पर पहाड़ों पर होती है ऊंचाई वाले हिस्से से, और वो बढ़ती है सागर की ओर, सागर या महासागर की ओर, तो यहां पर आइएगा तो यहां पर ढाल ज्यादा है तो रिवर की स्पीड भी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे वो पहुंचती है मैदानों में, ध्यान दीजिएगा, ये घाटी कैसा है, एक तरीके से जहां पर स्लोप क्या हो जाता है रिवर का, कम हो जाता है। यहां जब मैदानों में पहुंचिएगा तो जब ढाल कम हो गया तो जो नदी की स्पीड है, वेग, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इसका, अब कोई भी रिवर जिसका स्लोप ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगी यहां पर, लेकिन जैसे जैसे ये स्लोप कम होता जा रहा है, अब बजाय रिवर सीधे जाने के कुछ लहर बनाती है। क्यों, क्योंकि अब स्लोप कम हो गया, क्योंकि ऊंचाई से जब रिवर नीचे जाएगी तेजी से नीचे की ओर आती है, लेकिन जैसे ही वो जो स्लोप है वो कम हो गया तो अब जिस डायरेक्शन में रिवर को स्लोप मिलेगा उसी डायरेक्शन में रिवर एक सांप की तरह लहराते हुए जाती है। मतलब स्लोप के कम होने से रिवर क्या बनाती है, बजाय सीधे मार्ग में जाने के मोड़ बनाती है, बिसर्प, मतलब सांप की तरह चलती है, मियांडर्स जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मियांडर्स। ध्यान दीजिएगा, तो मैदानों में पहुंचने के बाद ये जो रिवर है
ये रिवर आपकी बजाय सीधे जाने के कुछ ऐसे जाने लगती है जहां पर स्लोप कम हो जाएगा। जितना स्लोप कम होगा वह रिवर भी उतना अधिक मोड़ बनाती हुई जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो रिवर है, रिवर का पानी यहां पर आया, इसी से टकराएगा, यहां पर टकराएगा, यहां पर टकराएगा, यहां पर टकराएगा, ये अपोजिट वाले स्लोप पर टकराता हुआ जाएगा, यहां पर टकराएगा, यहां पर, यहां पर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा टकराते टकराते क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ये भी हिस्सा क्या होगा, टकरा जाएगा, धीरे कटाव होते होते मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे टकरा रहा है पानी सीधा जा करके ना, जाने के बाद हिस्से पे पानी सीधे टकरा रहा है, यहां पे आने के बाद पानी क्या हुआ, सीधे टकराया। तो कहते हैं मैदानों में नदियां अपने मार्ग को सीधा करने के लिए, जो मोड़ बना हुआ है उसको सीधा करने के लिए सामने वाले हिस्से पे क्या करती है, कटाव करती है। अब कटाव करते करते अब यही रिवर क्या हो गई, पानी जो इधर आ रहा था अब कहां निकल गया, सीधे। ये जो पानी इधर आ रहा था अब यहां ना आकर क्या हो गया, सीधे चला गया। ये पानी जो इधर आ रहा था यहां पे कहां चला गया, सीधे की ओर। ऐसी स्थिति में ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, बंद हो गया। अब यहां पर पानी नहीं बह रहा, क्यों, क्योंकि जो रिवर है वो बजाय इधर आने के वो सीधे निकल गई, वो रिवर बजाय इधर आने के वो क्या हो गई, सीधे निकल गई। तो ऐसी स्थिति में ये अवशेष बचाना, तो ऊपर सेटेलाइट से देखने पर ये कैसा दिखता है, एक गाय के खुर की तरह, गाय के पंजे की तरह, क्या दिखता है ये, गाय के पंजे की तरह। तो नदी की मुख्य घाटी में नदी जब अपने मार्गों का अवशेष छोड़ देती है, या नदी अपने मार्गों को बदल देती है और अपने मार्ग क्या करती है, वो सीधा करती है, तो इस क्रम में क्या बनता है आपका, वहां पर ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, ये वाला हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी बुलर झील है ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। और आगे चलते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में यही पर आइएगा तो नदी के किनारे या कोई जगह और कौन सा मिलेगा, बारामूला। ध्यान दीजिएगा, बारामूला आते हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर स्थित है, मतलब ये जो हिस्सा है आपकी सीमा, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के किनारे स्थित है। और यहीं पर आइएगा तो आपके पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा स्थित है, पीर पंजाल दर्रा। इस पीर पंजाल दर्रे से एक रास्ता जाता है, यहां पर बारामूला जाकर के मिलता है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जम्मू मिलता है। तो जम्मू को बारामूला से पीर पंजाल दर्रे से जो रास्ता आपका जोड़ेगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जम्मू बारामूला मार्ग। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि नदी के उस पार है ना, तो इसी नदी के ऊपर ही भारतीय रेलवे के द्वारा एक पुल बनाया गया है। भारतीय रेलवे क्या बनाया गया है, पुल बनाया गया है। और उस पुल की ऊंचाई भारत में जितनी भी नदियां हैं, जो भी पुल बनाए गए हैं, सर्वाधिक ऊंचाई है, मतलब नदी के ऊपर भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनाया गया पुल वो कौन सा है, जम्मू से बारामूला तक जाने वाला मार्ग किस बनाया गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा। क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन नहीं रहती है, इस पार जाने के बाद क्या आपका एओसी है, ऐसी स्थिति में बारामूला तक जाने के लिए ये जो आपका है पुल, ये किसी सामान्य जनजीवन के लिए नहीं है। कैसे है ये, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लड़ाइयां होने पर या युद्ध की स्थिति में होने पर भारतीय सेना इस हिस्से से इस पार से इस पार चली जाए, इसके लिए यहां पर नदी के ऊपर क्या बना दिया गया, एक पुल बनाया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहीं पर जम्मू कश्मीर में आइएगा तो किशनपुर के पास में ही रिवर क्या करती है, पीर पंजाल को काटते हुए एक खड्ड बनाती है, गार्ज या घाटी, और यहीं से ही कहां पहुंचती है, भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद के बाद यहीं से रिवर कहां एंटर कर जाएगी, पाकिस्तान में। और जैसे ही ये रिवर मुजफ्फराबाद के बाद पाकिस्तान प्रवेश करती है तो जो झेलम है, क्या नाम हो गया इसका, नीलम हो गया। और नीलम पर ही आगे जाइएगा तो पाकिस्तान में मीरपुर, मीरपुर आइएगा तो मीरपुर में ही आपको मिलेगा मंगला जलाशय। और मंगला जलाशय के बाद यहीं पर ही नदी की मुख्य धारा के आगे क्या बना दिया गया है, डैम बना दिया गया है, इसे कहता है मंगला डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना है। और आगे रिवर जब बढ़ती है तो पाकिस्तान में ही पर आइएगा ट्रीमू में, और ट्रीमू में यही चिनाव नदी किससे आगे मिल जाती है, झेलम से मिल जाती है। और जो आपका नीलम है, अब ये नीलम नाम समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है इसका, नदी का नाम चिनाव हो जाता है। ये जो आपने पूरा हिस्सा देखा, यही हिस्सा आपका किसका है, ये आपका जो है, ये आपका हिस्सा पूरा किसका है, झेलम नदी का। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कश्मीर की घाटी,
कश्मीर की घाटी आते हैं यहीं पर ही, तो ध्यान दीजिए कश्मीर की घाटी में ही आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या मिलेगा, श्रीनगर। ये श्रीनगर से आगे चलेगा, श्रीनगर के पास में ही आपको मिलेगा पैम्पोर। पैम्पोर का महत्व तो क्या है, ध्यान दीजिए पूरे भारत में नहीं बल्कि एशिया में सर्वाधिक जहां पर केसर का उत्पादन होता है, केसर का, वो कहां पर होता है, पैम्पोर में होता है। जम्मू कश्मीर में आइएगा तो श्रीनगर के पास में ही आपको पैम्पोर मिलेगा, और ये जो पैम्पोर है ये बुलर झील के आसपास है। अब यहां देखिएगा कि हम लोग यहां पर बात करते हैं क्या है महत्व उसका, कश्मीर की घाटी में हम लोग बात करिएगा, ध्यान दीजिए कश्मीर की घाटी। अब ये जो कश्मीर की घाटी है, कश्मीर की घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, झेलम नदी, और झेलम नदी के ही घाटी में क्या स्थित है, बुलर झील। गर्मियों में आने पर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो कश्मीर की घाटी में बाढ़ आती है, क्या आती है, बाढ़। बाढ़ कैसा आएगा, जैसे ही वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ये जो झील है, झील का जो पानी है उसमें क्या आने लगता है, उफान आने लगता है ऊपर की ओर। तो जो आपका इस झील में जो आपके निक्षेप जमे हुए हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सरोवरी निक्षेप, सरोवरी निक्षेप, दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में लेक डिपॉजिट, लेक डिपॉजिट। जैसे ही इसमें बुलर झील में बाढ़ आती है, मतलब कश्मीर घाटी में झेलम में बाढ़ आएगी, और झेलम की वजह से कहां बाढ़ आएगी, बुलर में बाढ़ आती है, और बुलर में जैसे ही बाढ़ आएगा तो वो झील का जो आपका है अवशाष सेडिमेंट वो क्या हो जाता है, किनारों की ओर चारों तरफ बिछ जाता है। जैसे हम लोग ये सरोवरी निक्षेप, अब ये किसका मिक्सचर है, यहां पर आइएगा सैंड सिल्ट एंड क्ले, ये आपको तीन मिलेंगे यहां पर, सैंड सिल्ट एंड क्ले, मतलब ये तीनों आपस में मिलकर के यहां पर एक बनाते हैं क्या, सरोवरी निक्षेप। और इसी सरोवरी निक्षेप को ही कहा जाता है करेवा, क्या कहा जाता है, करेवा, जो कि आइएगा तो जम्मू कश्मीर में ये जो करेवा मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा करेवा मिट्टी, मिट्टी ही नहीं है क्या है, ये सरोवरी निक्षेप है, जो कि करोवरी यही आपकी जो आपका करेवा निक्षेप है मिट्टी, ये आपका सेब और केसर के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब भारत में इस प्रकार की मिट्टी जो है जो पाई जाती है वहां पर सेब और केसर खूब होते हैं, और वो कहां मिलेगा, बुलर झील के आसपास, और उसी एरिया में क्या स्थित है आपका, पैम्पोर। पैम्पोर का महत्व ये समझिएगा केसर के लिए, पैम्पोर का महत्व वही है जो कि भारत में आने पर प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन, जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा आंवला कहां होता है पूरी एशिया में आइएगा तो, जिसे आंवले की मंडी कहा जाता है प्रतापगढ़ को, वैसे ही पूरे एशिया में सबसे बड़ी केसर मंडी आपको कहां मिलेगी, पैम्पोर में मिलती है, यही वाला हिस्सा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर यही हिस्सा जो हमने आज बात किया था आपसे झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बेरीनाग में एक आपकी झील मिलेगी, शेषनाग से निकलती है और श्रीनगर से बहते हुए यहां बुलर झील से बहती है और बारामूला के किनारे से बहते हुए किशनपुर में खड्ड बनाती है और मुजफ्फराबाद के बाद पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से प्रवेश करती है और मीरपुर पर इस पर मंगला डैम बनाया गया है और टीमू में चिनाव नदी से क्या करती है, मिल जाती है। यहां पर आएगा तो ये नदी कश्मीर की घाटी की प्रमुख नदी हो गई। कश्मीर की घाटी में आते हैं तो आपको यहीं के ही चारों तरफ आपको बुलर झील के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, सरोवरी निक्षेप। क्यों, क्योंकि गर्मियों में झेलम और बुलर झील में बाढ़ आने की वजह से झील के चारों तरफ जो आपकी सरोवरी, जो आपके लेक डिपॉजिट्स जो आपके जमा हो जाते हैं, जो किसका मिश्रण है, सैंड सिल्ट एंड क्ले का, जिसे हम लोग करेवा मिट्टी कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, यह मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है, सेब और केसर के लिए। यही हिस्सा आपका हो जाता है किसका, कश्मीर की घाटी का, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा आपके अगले क्लास में, जो आपका चौथा क्लास होगा वो आपकी है चिनाव नदी। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कौन सी होगी, चिनाव नदी। और ध्यान दीजिएगा यहीं पर ही पंजी श्रेणी से ही यहीं पर ही झेलम की एक सहायक भी आ रही है, नाम क्या है इसका, किशनगंगा। ठीक, ये पूरा टॉपिक आपका कवर होता है। जहां पर भी आपको लगे कि नहीं हाँ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स में और जो आपके व्यूज हैं वहां पर इसके बारे में जरूर आप लोग लिखें।
यहां पर इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा ग्राफिक्स को, ताकि आप ग्राफिक्स के माध्यम से इस ज्योग्राफी को और बेहतर समझ सके। ध्यान दीजिएगा, फिर से हमें कहेंगे अपने क्लास के अंत में, जितना अधिक हो सके इसको आप शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ मनोबल बढ़ता चले यहाँ पर, थोड़ा हमारा भी अपना बेस बढ़ेगा यहाँ पर, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी यूपीएससी, आपका यूपीपीसीएस और आपका जो है, जो आपका लोअर का आपका पीसीएस का एग्जाम है, जो आपके ऑल ओवर इंडिया जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके छूटने ना पाए। वो चाहे आपका सब्जेक्ट का लेवल हो, चाहे आपका ऑप्शनल का लेवल हो, चाहे आप कहीं पर ही आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज का हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, वो एक भी क्वेश्चन इस सेक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अपने आप क्वेश्चंस भी, अपने आप अपने क्वेरीज भी आप हमारे जो है इस लिंक पर आप पोस्ट कर सकते हैं, और हमारे आप यूट्यूब पर इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।